फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। वील डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ मार्च सेकेंड वीक। लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कवच। कवच की बात करें कि कवच जो इंडियन रेलवे से लॉन्च किया है, उसका गोल है जीरो एक्सीडेंट्स ऑफ इंडियन रेलवे। उसका मेन मेकेनिज्म क्या है कि जैसे ही कोई भी ट्रेन रेड लाइट को क्रॉस करेगी, जैसे ही कोई भी ट्रेन रेड लाइट को क्रॉस करेगी, उसकी स्पीड जितनी भी होगी वो रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जांपल, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, जब उसने रेड लाइट को क्रॉस किया उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होकर 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये सिस्टम है प्रोजेक्ट कवच, राइट, जो इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जीरो एक्सीडेंट ऑफ द इंडियन रेलवे, राइट। ओके, अभी ये प्रोजेक्ट पायलट फेज के ऊपर कौन अभी उसका टेस्टिंग कर रहा है? साउथ सेंट्रल रेलवे। जो रेलवे के टोटल 18 जोन्स है, आपको पता होगा कि उसमें से साउथ सेंट्रल रेलवे उसका पायलट फेसिस को चेक कर रही है, राइट। और यस, ये पूरा जो एक सिस्टम है, उसको ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम आप बोल सकते हो, ये पूरा ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है, राइट। और ये ब्रेकिंग सिस्टम कौन से लेवल का है? सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से लेवल का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट कवच है, ये पूरा एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का। ये दुनिया का सबसे चीपेस्ट सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 का ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसका 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आता है? ₹40 लाख। जो बाकी के जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम जो चल रहे हैं दुनिया के अंदर, उसका एवरेज खर्चा 1 किलोमीटर का कितना आता है? 2.5 करोड़ रुपीज़, राइट। तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कवच जो इंडियन रेलवे ने अभी लॉन्च किया, उसका पायलट फेसिस के ऊपर टेस्टिंग साउथ सेंट्रल रेलवे कर रहा है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव कि ट्रेन कितनी भी स्पीड के ऊपर क्यों ना हो, जब वो रेड लाइन को क्रॉस करेगी तब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से, या फिर कितनी भी स्पीड हो उससे कम होकर कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके, चलो सेकेंड न्यूज़। ओके, अभी रिसेंटली नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ने इंडिया का पहला ग्रीन चार्जिंग स्टेशन बनाया। अभी इंडिया का पहला ग्रीन चार्जिंग स्टेशन किसने बनाया? नेशनल हाईवे फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल ने। कहाँ पे बनाया? जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे के ऊपर बनाया। ओके, अभी सबसे पहली बात तो ये जयपुर दिल्ली आगरा को ए हाईवे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंडिया का एकमात्र हाईवे है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, राइट। कि ये इंडिया का एकमात्र हाईवे है जयपुर दिल्ली आगरा का, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, इसलिए उसको बोलते हैं ई हाईवे, राइट। तो इंडिया का पहला ग्रीन, अभी क्या ये चार्जिंग स्टेशन ग्रीन कलर का होगा इसलिए उसको ग्रीन बोला जाता है? नहीं, ये चार्जिंग स्टेशन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती होगी। पर्टिकुलरली यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज़ किया गया है, इसके लिए उसको बोला जाता है ग्रीन चार्जिंग स्टेशन। और इंडिया का पहला ग्रीन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? जयपुर दिल्ली आगरा ई हाईवे के ऊपर। और किसके द्वारा बनाया गया है? नेशनल हाईवे फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा, राइट। नेशनल हाईवे फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टेटिस्टिक्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। उसके प्रोग्राम डायरेक्टर कौन है? अभिजीत सिन्हा, राइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थर्ड न्यूज़ कि अभी रिसेंटली हमारे जो इंडियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द अर्थ साइंस, उन्होंने अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस प्रोग्राम। ओके, अभी प्रोग्राम को डेवलप किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटेल इंडिया ने साथ में मिलकर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है, डेवलप किया है, राइट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस प्रोग्राम डेवलप किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DST, और इंटेल इंडिया के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ओके, इस प्रोग्राम का मेन पर्पस क्या है? कि बिल्डिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस अमंग द यंग इनोवेटर्स। ये प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता है कि जो क्लास 6 to 10 के स्टूडेंट्स के अंदर, उनके जो सिलेबस है, उनके क्यूरिकुलम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्यूरिकुलम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रोग्राम कोडिंग, राइट, ऐसे सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाएगा। इन कौन से क्लासेस के अंदर? क्लास 6 to 10 के क्लासेस के अंदर, राइट। अभी इसके कोर्स कौन डिसाइड करेगा? इसके लिए
जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो डिसाइड करेगी इंटेल इंडिया। पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन डिसाइड करेगी? इंटेल इंडिया, राइट? ओके, तो यस, अभी रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अभी लॉन्च किया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस प्रोग्राम जो डेवलप किया है। ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटेल इंडिया, उसमें इंटेल इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने का मेन पर्पस ये है कि जो क्लास 6 से 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो क्यूरिकुलम डिसाइड करना है कि प्रोग्राम का ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा होना चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगी? इंटेल इंडिया, राइट? तो उसके लिए मेन पर्पस ये प्रोग्राम को लॉन्च करने का यही है कि ये 6 से 10 के स्टैंडर्ड के अंदर ये 3 सब्जेक्ट को ऐड करना। तो उसके लिए किस टाइप का सिलेबस होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो फ्यूचर रेडी हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी हो जाए, यंग इनोवेटर्स, यस, इसके लिए प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। आई थिंक आपको तो समझ में आया होगा, राइट? 3 फेज के अंदर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार आप पढ़ सकते हो कि तीन कौन कौन से फेज है जिसके अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, राइट? ओके, अभी रिसेंटली आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉन अभी एक्सपायर हो गए 52 की एज के ऊपर, राइट? ये सबको पता होता है, लेकिन हमको जब भी कोई लेजेंडरी पर्सनालिटी एक्सपायर हो जाती है तब तो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हम अचीवमेंट्स ऑफ द शेन वॉन के बारे में पढ़े तो कि ही इज़ द ओवरऑल लीडिंग विकेट टेकर इन द एसीज एसीज टूर्नामेंट। एसीज टूर्नामेंट की बात करें तो एसीज टूर्नामेंट कौन किसके किसके बीच में खेली जाती है पता है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, राइट? 5 टेस्ट की सीरीज होती है जो हर 3 साल के बाद खेली जाती है, राइट? तो एसीज टूर्नामेंट ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में क्यों खेली जाती है? क्योंकि उन दोनों कंट्रीज से ही क्रिकेट की शुरुआत होती है, तो इसकी याद के अंदर एसीज टूर्नामेंट खेली जाती है। और ये एसीज टूर्नामेंट के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन हैं? शेन वॉन। ही इज़ द सेकेंड हाईएस्ट इंटरनेशनल विकेट टेकर ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने टेस्ट के अंदर 708 विकेट लिए हैं और वनडे के अंदर कितने विकेट लिए हैं? 293। तो टेस्ट के अंदर 708 विकेट से ज़्यादा लेने वाले सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 800 टेस्ट विकेट लिए हैं, राइट? ओके, तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उन्होंने सेकेंड हाईएस्ट विकेट लिए शेन वॉन ने, उनसे ज़्यादा मुथैया मुरलीधरन ने जस्ट जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं उन्होंने विकेट्स लिए हैं, राइट? एंड ही वॉज द फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक द 700 इंटरनेशनल टेस्ट विकेट। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि शेन वॉन ने 708 विकेट लिए टेस्ट विकेट, मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट्स लिए, राइट? लेकिन सबसे पहले 700 टेस्ट विकेट लेने वाले कौन हैं? शेन वॉन। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, राइट? तो अभी शेन वॉन जो एक्सपायर हो गए वो कौन सी कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ओके, एसीज के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन से बॉलर थे? शेन वॉन, राइट? और हु वॉज द फर्स्ट बॉलर टू टेक द 700 इंटरनेशनल टेस्ट विकेट? शेन वॉन, राइट? तो ये सब कुछ रिकॉर्ड्स उनके नाम के ऊपर थे, राइट? ओके, कि अभी रिसेंटली लेबर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक इनिशिएटिव, डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव, किसकी कौन से मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। कौन सी स्कीम के अंडर? प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना। सबसे पहले मैं इसकी बात आपको समझाऊँ कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना क्या है। देखो कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना लॉन्च कब की गई थी? 2019 के अंदर। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इंश्योर द प्रोटेक्शन फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स कि हुज मंथली इनकम इज बिलो ₹15,000 और उनकी जो एज है वो कितनी है? 18 to 40 ईयर्स, राइट? कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मंथन योजना के अंदर कौन से लोग कवर होते हैं कि जिसकी मंथली इनकम 15,000 से कम है, जिनकी एज ग्रुप 18 to 40 ईयर्स के बीच में है, और जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, मतलब जिनका पीएफ या कुछ कोई भी सैलरी के अंदर से कुछ भी कटता नहीं है, जितना सैलरी उतना हाथ के अंदर आता है, राइट? मतलब वो ऐसे सेक्टर के अंदर काम करते हैं जिसका डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है। अभी आप सबको पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर पेंशन वगैरह तो मिलता नहीं है, लेकिन वो पेंशन जो मिलता है जो पीएफ के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पेंशन और एक ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक कोई एक कंपनी के अंदर 5 साल से ज़्यादा काम करो तो वो मिलेगी, लेकिन पेंशन गवर्नमेंट ने पीएफ का लॉन्च करने का उसका मेन इनिशिएटिव यही है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनको भी पेंशन मिले उनके रिटायरमेंट के बाद,
राइट। लेकिन वो पेंशन कहाँ से मिलता है, उनकी ही सैलरी में से कटा हुआ पैसा उनको बाद में रिटायरमेंट के बाद मिलता है, राइट। कि आपकी सैलरी में से हर महीने थोड़ा थोड़ा कटेगा और फिर आप जब रिटायर हो गए तब एक साथ में वो एक पूरा अमाउंट मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने PF, GPF, EPF वगैरह लॉन्च किया था। लेकिन जो पर्सन के सैलरी के अंदर से कुछ कटता ही नहीं है, ना तो GPF ना तो EPF, तो उनका पेंशन का क्या? तो गवर्नमेंट ने उनको पेंशन देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जिसकी एज 18 से 40 ईयर्स के बीच में हो और जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राइट। यस, 2019 के अंदर, उसके अंदर जो भी सब्सक्राइबर के जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आता है, उनको मैक्सिमम कितने रुपीज़ का पेंशन मिलेगा, 3,000 रुपीज़ का मैक्सिमम पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद मतलब 60 साल के बाद, ओके। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम अभी के अंदर इन लोगों को पैसा देने के लिए एक फंड लॉन्च किया है, जिसका नाम है पेंशन फंड, राइट। एक पेंशन फंड लॉन्च किया है, राइट। भी एक पेंशन फंड में से पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जिसका PF कटता है, मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उनको अपने PF का जो एक साल के अंदर जो जितना कंट्रीब्यूशन है ना, फॉर एग्जांपल आपका PF एक साल के अंदर 12,000 रुपया कटता है, तो मतलब एक महीने के अंदर 1,000 रुपया कटेगा, तो आपको पूरे एक साल के PF में से एक महीने का PF आपको यहाँ पे क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है पेंशन फंड के अंदर। ऑर्गेनिक सेक्टर के लोगों को अपने पूरे एक साल के पेंशन में से एक महीने का पेंशन ये पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। ये पेंशन फंड ऐसा फंड है कि जिसका पैसा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जब वो रिटायर हो गए तब उनको पेंशन देने में काम में आएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि लोगों को इस स्कीम के बारे में पता चले कि भाई आपको अपना पेंशन को डोनेट करना है, मतलब ऑर्गेनिक सेक्टर को अपना पेंशन को डोनेट करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव, कि जो पेंशन कहाँ पे जाएगा, पेंशन फंड के अंदर जाएगा। ये पेंशन फंड का पैसा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंदर जितने भी लोग सब्सक्राइब हो गए, वैसा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पेंशन देने में काम में आएगा। आई थिंक आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आई। हमने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है, तो इंडियन मिनिस्टर कौन है उसके, जितेंद्र सिंह, अरे सॉरी भूपेंद्र यादव। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, रामेश्वर तेली, ओके। देखो ये न्यूज़ के बारे में मैं समझो कि अभी रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया, इस्पत राजभाषा अवार्ड। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? ये अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है, रामचंद्र प्रसाद सिंह। देखो इस्पत राजभाषा अवार्ड और इस्पत राजभाषा प्रेरणा अवार्ड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ये जो इस्पत राजभाषा अवार्ड और इस्पत राजभाषा प्रेरणा अवार्ड कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। और मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है, रामचंद्र प्रसाद सिंह, ओके। अभी ये इस्पत राजभाषा अवार्ड फॉर 2018-19 और 2020-21 और इस्पत राजभाषा प्रेरणा अवार्ड फॉर 2019-20 ये कौन सी संस्था को मिला? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC को मिला। देखो तो ये अवार्ड एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिंदी का मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, राजभाषा का, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, हिंदी को मैक्सिमम प्रमोट करता है, ये उसी संस्था को ये अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा हर बार, राइट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज ये मैंने इंक्लूड इसलिए किया है कि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का बार बार हर न्यूज़ के अंदर जिक्र नहीं होता, तो जो मिनिस्ट्री का जिक्र नहीं होता ना, वो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर यही ऐसे ही मिनिस्टर्स के नाम पूछते हैं कि जिसकी मिनिस्ट्री बार बार न्यूज़ में नहीं आती, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है, रामचंद्र प्रसाद सिंह, ओके। क्या अभी रिसेंटली जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया गया 7 मार्च को, और जन औषधि दिवस वीक, पूरा वीक भी सेलिब्रेट किया गया 1 से 7 मार्च 2022 को, राइट, ओके। अभी जन औषधि दिवस को जेनरिक मेडिसिन डे भी कहा जाता है, जेनरिक मेडिसिन डे भी बोला जाता है, राइट। ये दिन को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस गवर्नमेंट का ये है टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द यूसेज ऑफ द जेनरिक मेडिसिन एंड द बेनिफिट ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। देखो जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 7 मार्च को। जन औषधि दिवस वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 से 7 मार्च को।
इसको जेनरिक मेडिसिन डे भी बोला जाता है। उसके अलावा ये इसका मेन पर्पस, इन दिन को सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस क्या है कि जेनरिक मेडिसिन का बेनिफिट हमको पता चले और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये योजना क्या है उसके बेनिफिट के बारे में हमको पता चले। ये दिन हर साल कौन सेलिब्रेट करता है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ द इंडिया। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ द इंडिया के द्वारा ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये संस्था कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में काम करती है। ओके, और ये फोर्थ जन औषधि दिवस है। सबसे पहली बार जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट किया गया था? 7 मार्च 2019 के अंदर। और इस बार की, हाँ, ये फोर्थ जन औषधि दिवस है, राइट? ओके। अभी हम बात करें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में, कि इस दिन को सेलिब्रेट करने का वन ऑफ द मेन मोटिव है कि हमको बेनिफिट्स पता चले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के। देखो कि ये एक्चुअली ये योजना लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2008 के अंदर, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तब, लेकिन उसका नाम डिफरेंट था। इसका नाम जब मोदी गवर्नमेंट आई तब 2015 के अंदर चेंज किया गया और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रखा गया 2015 के अंदर। फिर से उसका नाम चेंज करके 2016 के अंदर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो अभी उसका नाम चल रहा है, वो 2016 के अंदर चेंज किया गया, राइट? उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जो जन औषधि केंद्र है पूरे इंडिया के अंदर, वो कितनी हो जानी चाहिए? 10,500। कब तक? मार्च 2025 तक। ये योजना का मेन पर्पस ये है कि जेनरिक मेडिसिन लोगों को मैक्सिमम मिले। जेनरिक मेडिसिन और कुछ नहीं, सेम क्वालिटी वाली मेडिसिन होती है, सेम कंटेंट वाली मेडिसिन होती है, जो हम ब्रांडेड मेडिसिन लेते हैं ना, डॉक्टर रेड्डी की, सिप्ला की, लेकिन ये जो जेनरिक मेडिसिन है वो सेम कंटेंट होती है, सेम क्वालिटी होती है, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए वो सस्ते भाव में होती है, जस्ट सिंपल। तो ये जेनरिक मेडिसिन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करें, उनका मेन पर्पस ये है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल हो, इसके लिए उनका मेन पर्पस है कि 10,500 प्रधानमंत्री जन आरोग्य जन औषधि केंद्र 2025 तक एस्टैब्लिश करना है, ये योजना के अंदर उसका मेन टारगेट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है भगवंत खूबा। ओके, तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई, स्लिनेक्स, एक नवल एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। मैंने जैसे आपसे पहले भी बात किया है कि जब भी कोई नेवी एक्सरसाइज होती है तब उसके अंदर शिप्स पार्टिसिपेट करती है, तो यहाँ पे कौन कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया है? इंडिया की तरफ से INS किर्च, ओके, फिर INS ज्योति, INS ज्योति। उसके अलावा ये शिप के ऊपर एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर, और एक डोर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो पेट्रोलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये चार जो व्हीकल्स है उसका ये एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हो रहा है स्लिनेक्स के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्लिनेक्स एक नवल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, वो कौन सी दो कंट्री के बीच में हुई? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये इसका 9th एडिशन था। कहाँ पे कंडक्ट हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर, राइट? उसका जो 8th एडिशन था ये स्लिनेक्स एक्सरसाइज का, वो कहाँ पे हुआ था? त्रिंकोमाले, जो श्रीलंका के अंदर आए। ये 9th एडिशन इंडिया के अंदर हुआ, विशाखापट्टनम के अंदर, बराबर। उसमें इंडिया की तरफ से किसने किसने पार्टिसिपेट किया? तो INS किर्च, INS ज्योति, चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के द्वारा, यस। अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में जितनी भी एक्सरसाइज होती है ना, वो दो पॉलिसीज के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में। एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आपको पता है श्रीलंका हमारा नेबर है, तो हम गुजराती में बोलते हैं ना पड़ोसी पहलो, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और एक सेकंड, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर का फुल फॉर्म, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन, जो इंडियन ओशन रीजन के जितने भी कंट्रीज है उनका सभी का एक इक्वल ग्रोथ हो, एक मेन ऑब्जेक्टिव है इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज़ का। तो उन्होंने एक सागर इनिशिएटिव लॉन्च किया था, तो उस इनिशिएटिव के अंडर भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती रहती है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिस तरह से नवल एक्सरसाइज का नाम है स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसी तरह मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है इंडिया और श्रीलंका के बीच में? मित्र शक्ति। क्या नाम रखा है? मित्र शक्ति। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द MSME है, कौन है? भानु प्रताप सिंह वर्मा। उन्होंने लॉन्च किया एक इंटरनेशनल समिट ऑन द प्लास्टिक रिसाइकिलिंग इन वेस्ट मैनेजमेंट, एक इंटरनेशनल समिट ऑन द प्लास्टिक रिसाइकिलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट अभी एक लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द MSME, MSME को आप पहचानते हो ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये समिट को लॉन्च किया है। ये समिट के बारे में मैं बात करूँ पहले, तो
ये एक इंटरनेशनल समिट है कि जो इम्फेसाइज करती है कि आप अपने वेस्ट को पहचानो, नो योर वेस्ट एंड हाउ रिसाइकलिंग इज द राइट थिंग टू डू, विच इज़ टू बी डन इन द राइट वे। इस समिट का मेन पर्पस ये है कि आप अपने वेस्ट को पहचानो और किस तरह से रिसाइकलिंग इज द राइट थिंग टू डू, विच इज़ टू बी डन इन द राइट वे, राइट। एंड ओके, इस समिट को अटेंड कितने एमएसएमईज ने किया? 350 एमएसएमईज ने किया एंड वर्चुअली 1000 एमएसएमईज से भी ज़्यादा एमएसएमईज ने इस समिट को अटेंड किया है। ओके, अब इस समिट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक दो चीज़ों को लॉन्च किया है, एक संभव और एक स्वावलंबन। संभव और स्वावलंबन एक दो चीज़ों को एमएसएमई ने लॉन्च किया इस समिट के दौरान। संभव क्या है पहले उसकी बात करें। संभव एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है किस तरह से प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाए, किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाए, ये नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम है। संभव वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ये प्रोग्राम के दौरान लॉन्च किया है। और स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन के अंदर क्या होगा कि 200 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक, जैसे नहीं वो एनसीसी वाले गली गली में जाके नाटक करते हैं लोगों को समझाने के लिए, राइट, उसी तरह यहाँ पे 200 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक को सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लोगों को 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाके ये किस तरीके से आप इंटरप्रीनर बन सको और इंटरप्रीनर्स के बेनिफिट क्या है, इन सब के बारे में समझा जाएगा। क्योंकि अभी सबसे पहले तो मैं आपको बात करूँ ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, कि इंडिया के अंदर कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फ्रेंड्स आपको आइडिया होगा इंडिया के अंदर टोटल 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, राइट। अभी ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मतलब नॉर्मल लाइफ जीना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वहाँ पे लाइट्स नहीं होती, इंटरनेट तो दूर की बात है, पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता। तो इंडिया ने ये ऐसी 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को ढूंढ के निकाला है और उनका डेवलपमेंट करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें से 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके लोग 200 ऐसे नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और लोगों को, उन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को समझा जाएगा किस तरीके से आप इंटरप्रीनर बन सकते हो और इंटरप्रीनर बनने का फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, राइट। तो इस तरह टू प्रमोट द इंटरप्रीनरशिप ये स्वावलंबन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा ये समिट के दौरान लॉन्च किया गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बारे में बात करें तो हमारे मिनिस्टर हैं नारायण तत्तू राणे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी रिसेंटली एक स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना, उसका कंटिन्यूशन अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 26 तक। देखो ये योजना के बारे में पहले आपको मैं समझाऊँ, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। देखो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब डिफेंस के अंदर पेंशन के मतलब ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। तब तब से लेके हर एक गवर्नमेंट जो स्वतंत्रता के टाइम पे जो सैनिक ने शहादत वारी है, और अगर कोई सैनिक अभी भी जिंदा है तो उनके नॉमिनीज़ को, और उस या तो फिर वो जिंदा है तो वो सैनिक को आर्थिक सहायता करने के लिए हर एक गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से कोई ना कोई योजना लेके आती है। हमारे मोदी गवर्नमेंट ने भी एक योजना लेके आई, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। वो ये दूसरी बार उसने कंटिन्यू किया फाइनेंशियल ईयर 26 तक। कुछ भी नहीं कि उसके अंदर जो भी सैनिक या फिर जो सैनिक शहीद हो गए थे उस टाइम पे उनके नॉमिनीज को आर्थिक सहायता दी जाएगी ये योजना के अंदर। गवर्नमेंट ने उसके लिए कितने रुपये एलोकेट किए हैं? 3274.87 करोड़ रुपये एलोकेट किए हैं। और ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना अगर आप नाम के ऊपर जाओगे तो मिनिस्ट्री कौन सी टिक करके आओगे? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन ये स्कीम अप्रूव की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारे अमित शाह, राइट। उसके लिए गवर्नमेंट ने 3274.87 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किए हैं और 2026 तक उसको कंटिन्यू रखा है और उसको अप्रूव किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़। ओके, क्या आरबीआई ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया एक यूपीआई फॉर द फीचर फोन, और उसका नाम क्या रखा गया है? UPI 123 पे। एंड 24/7 एक हेल्पलाइन लॉन्च किया डीजी साथी।
देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं उसका यूपीआई 1 2 3 पे का आपको कॉन्सेप्ट समझा लूँ कि यूपीआई 1 2 3 पे क्या है। कि जिस तरह से आपको पता है कि एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र और आरटीजीएस, ये दोनों जो फंड ट्रांसफ़र की मेथड्स है ना, उसके अलावा जितने भी डिजिटल बैंकिंग के अंदर जो पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए मेथड्स यूज़ की जाती है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सब कुछ वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा वो बनाया गया है। और ये यूपीआई भी एनपीसीआई के द्वारा ही बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। यूपीआई के अंदर अगर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या करोगे, कोई मर्चेंट के वहाँ पे आप अगर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो मर्चेंट ने अपने डेस्क के ऊपर एक स्कैनर रखा होगा, वो स्कैनर को या तो फिर वो स्कैनर को स्कैन करोगे या तो फिर उसके ऊपर उसका नंबर लिखा होगा, वो मर्चेंट का मोबाइल नंबर, आप वो टाइप करके गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम से आप पैसा ट्रांसफ़र कर लोगे। लेकिन इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। लेकिन अभी आरबीआई ने, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप किस तरह से, किस तरीके से ट्रांजेक्शन करोगे, तो उसके लिए एक अलग सा एप्लीकेशन बनाया है, यूपीआई 1 2 3 पे। यूपीआई 1 2 3 पे के माध्यम से अगर आप किसी मर्चेंट को, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, आपके पास फीचर फ़ोन है लेकिन मर्चेंट के पास स्मार्टफोन होना रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आप ऐसे मर्चेंट को अगर आप डिजिटल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है फिर भी, तो आप अपने मोबाइल के अंदर ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, यूपीआई 1 2 3 पे। फिर जब भी आप किसी मर्चेंट के वहाँ पे जाओगे तो उसके ये जो स्कैनर होता है वहाँ पे, एक तो स्कैन करने की सुविधा होगी और ये तो फ़ोन नंबर की सुविधा होती है, राइट। उसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखा होता है, आप क्या करोगे, वो मर्चेंट का फ़ोन नंबर अपने फीचर फ़ोन के अंदर लिख लोगे। फीचर फ़ोन से आप उसका फ़ोन नंबर डायल करोगे, राइट। जैसे आप उसका फ़ोन नंबर डायल करोगे, उसके वो मर्चेंट क्या करेगा, अपना जो स्मार्टफोन वाला स्मार्टफोन है उसके अंदर से यूपीआई एप्लीकेशन ओपन करेगा, कोई भी एप्लीकेशन, और आपके कॉल का वो आंसर देगा। जैसे वो कॉल का आंसर देगा तो उसका जो बैंक अकाउंट है वो आपके अंदर लिंक हो जाएगा, आपके फ़ोन से लिंक हो जाएगा। फिर आप जस्ट यूपीआई पिन अपना एंटर कीजिए, यूपीआई पिन एंटर कीजिए और आप ट्रांजेक्शन अवेल कर पाओगे, राइट। तो ये पूरा मेकेनिज्म है यूपीआई 1 2 3 पे। जस्ट आपको मिस कॉल देना है, वो जैसे ही आपको आंसर देगा उसका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल के अंदर लिंक हो जाएगा और आप फिर यूपीआई पिन से पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाओगे। और अभी जस्ट एक शुरुआत है ये ऑफलाइन पेमेंट की, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट की, इसलिए आप मैक्सिमम कितना पेमेंट कर पाओगे एक ट्रांजेक्शन के अंदर यूपीआई 1 2 3 पे से, मैक्सिमम 200 रुपीज़। मैक्सिमम कितने रुपीज़ को ट्रांजेक्शन कर पाओगे? 200 रुपीज़। एक तो ये चीज़ आरबीआई ने अभी लॉन्च किया, और एक दूसरी चीज़ आरबीआई ने लॉन्च की, डिजी साथी, एक हेल्पलाइन 24/7 हेल्पलाइन डिजी साथी आरबीआई ने लॉन्च किया। उसका मेन मोटिव है कि जो आपको भी बहुत सारी बार ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे से कोई किसी को पैसा दिया, आपके अकाउंट में से डेबिट हो गया लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारी एरर्स आती है। तो ऐसे एरर्स को हैंडल करने के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक पर्टिकुलर हेल्पलाइन लॉन्च नहीं की थी, तो आरबीआई ने अभी वो उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की, डिजी साथी, जो 24/7 वर्क करेगी, राइट। तो दोनों लॉन्च करने वाली संस्था आरबीआई और एनपीसीआई है, यूपीआई 1 2 3 पे और डिजी साथी दोनों। आई थिंक आपको दोनों के अंदर समझ में आ गया होगा। ये मैंने पूरा यूपीआई 1 2 3 पे के बारे में, यूपीआई 1 2 3 पे के बारे में और डिजी साथी के बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर आपको पूरा समझाया, एक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, ओके। और एक इम्पोर्टेंट डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की मैं बात करूँ तो उसकी इस बार थीम कौन सी रखी गई थी? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। कि अगर आपको सस्टेनेबल टुमारो चाहिए तो आपको अभी जेंडर इक्वालिटी रखनी पड़ेगी। तो थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर जितने भी कैंपेन्स हुए थे वो सभी कैंपेन्स की थीम क्या थी, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक कैंपेन्स की थीम है कि #ब्रेक द बायस, #ब्रेक द बायस। बायस का मतलब किसी एक की ओर लीन हो जाना,
किसी एक मतलब एक को ही फेवर करना है आप और दूसरे को इग्नोर करना है, तो आपको इस तरह की बायस को ब्रेक करना है, ब्रेक द बायस, बराबर। तो देखो कन्फ्यूज नहीं होना है कि थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे जेंडर इक्वलिटी टूडे फॉर सस्टेनेबल टूमोरो, और थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 की जितने भी कैंपेन्स हुए उसकी थीम क्या है कि हैशटैग ब्रेक द बायस, राइट। ओके, तो वुमेन्स डे इंडिया की तरफ से कौन सेलिब्रेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। ओके, अभी बहुत सारे कैंपेन्स इस दिन के दौरान लॉन्च किए गए, उसमें से एक कैंपेन था बैक टू द स्कूल कैंपेन कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, बैक टू द स्कूल कैंपेन कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, उनमें से एक कैंपेन था जो लॉन्च किया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर। उसके अंदर क्या है कि एक्चुअली आप देखोगे ना तो 11 से 14 इयर्स की जो गर्ल्स होती है उनको कोई ना कोई पर्पज़ से स्कूल में से जो पढ़ते पढ़ते मतलब निकला जाता है कोई ना कोई पर्पज़ से, या तो शादी का या तो फिर घर के काम के लिए, राइट। तो उस उन एज की गर्ल्स को वापस एनरोल करें स्कूल के अंदर, ये एक कैंपेन का मेन इनिशिएटिव है कि उन उनके पेरेंट्स को इंकरेज किया जाए कि उन लोगों को वापस स्कूल के अंदर एनरोल करने दें, राइट। तो ये एक कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है, बैक टू स्कूल कैंपेन कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ये कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये एक कैंपेन लॉन्च किया था यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ये तीन संस्था के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया था, और ये कैंपेन कौन से इनिशिएटिव के अंदर में लॉन्च किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री का है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। देखो फ्रेंड, सबसे ईजी है कि बैक टू द स्कूल कैंपेन के बारे में बात करूँ, कि बैक टू द स्कूल कैंपेन, ये कैंपेन उसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। वो कौन कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिसेफ के द्वारा। और ये जो कैंपेन है वो कौन से इनिशिएटिव के अंडर में लॉन्च किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंडर में लॉन्च किया गया। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, राइट। तो आई थिंक आपको कन्फ्यूजन नहीं होता होगा, राइट। ओके, अभी उसी दिन के ऊपर कुछ अवार्ड्स भी दिए गए और कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए। तो पहले मैं बात करूं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर एक नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, एक नेशनल लेवल पुरस्कार होता है जो पद्मश्री के लेवल का होता है, नारी शक्ति पुरस्कार, जो भी वुमेन्स ने बहुत ही अच्छा काम किया होता है समाज के लिए, स्पेशली वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, उनको ये अवार्ड दिया जाता है नारी शक्ति पुरस्कार। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड प्रेसिडेंट के हाथ से दिया जाता है, राइट। उसके अलावा एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया समर्थ इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर। ये इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। एक एक इनिशिएटिव है एक स्पेशल इंटरप्रीनरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर द वुमेन, कि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रीनर बने उनको इनकरेज करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा। उसका अगर आप ये समर्थ इनिशिएटिव के अंदर अगर कोई वुमेन इंटरप्रीनर सब्सक्राइब करती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होगा? तो एक उनको बेनिफिट होगा ये कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती है कि जहाँ पे इंटरप्रीनर्स जाके अपनी स्किल को डेवलप कर सके, उसमें 20% सीट्स वुमेन्स के लिए ही अलोकेटेड होगी, राइट। और दूसरा बेनिफिट कि जितना भी खर्चा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर जितना भी खर्चा लगता है, आपको पता होगा अगर छोटी से छोटी आपको शॉप भी खोलनी है ना, तब आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन उसका करवाना पड़ता है, उसको रजिस्टर करवाने के लिए। तो उसके पीछे जितना भी खर्चा लगेगा उसके आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप वुमेन इंटरप्रीनर हो और अगर आपने समर्थ इनिशिएटिव के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है। तो समर्थ इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जो वुमेन को एम्पावर करने के लिए वुमेन इंटरप्रीनरशिप को इंकरेज करने के लिए ये इनिशिएटिव उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर लॉन्च किया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, राइट। यस, अभी रिसेंटली सेबी ने रेज किया एक पब्लिक डेब्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट वाया यूपीआई। पहले कितना था? 2 लाख रुपया, अभी कितना कर दिया? 5 लाख रुपया। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि हाँ यूपीआई, ओके यूपीआई किसने लॉन्च किया है? यूपीआई लॉन्च किया है
एनपीसीआई ने, राइट। यूपीआई किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई ने, राइट। एनपीसीआई ने दिसंबर 2021 के अंदर ही अनाउंस कर दिया था कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति यूपीआई के थ्रू एक बार के अंदर पहले 2 लाख रुपया मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर पाता था एक दिन के अंदर, लेकिन अभी वो कितना मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर पाएगा? 5 लाख। ये दिसंबर 2021 के अंदर ही एनपीसीआई ने बोल दिया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, कि यूपीआई के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप पहले मैक्सिमम 2 लाख रुपया कर पाते थे, अभी कितना कर पाओगे? 5 लाख। ओके, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, क्योंकि जैसे ही यूपीआई आया, पहले ये पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है, उसका एक मेन एग्जांपल है आईपीओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आईपीओ को ही पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, लेकिन आईपीओ उसका मेन एग्जांपल है। किस तरह? क्योंकि आईपीओ आपको पता है कि फंड रेजिंग के लिए यूज़ होता है। उसमें क्या है कि हमारे जैसे जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करती है, और ये हमारा पैसा वो कंपनी के लिए तो डेट होगा ना, इसलिए उसको बोला जाता है पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, आईपीओ, राइट। तो आईपीओ पहले क्या था कि जब उस शुरुआत में आया, तब उसका आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आप वहाँ पे जाके एंजल ब्रोकिंग जैसी संस्था में जाके आप फिर उसको, हाँ, आईपीओ को फिलअप कर देते, राइट। लेकिन जैसे ही नेट बैंकिंग आया, तब नेट बैंकिंग से भी आईपीओ लोग बनने लगे, लेकिन जैसे यूपीआई आया, तब अभी यूपीआई से आईपीओ फिलअप करने वाले लोग ज़्यादा हो गए। तो यूपीआई के अंदर पहले क्या था कि मैक्सिमम 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र होता था, तो आईपीओ के अंदर लोग मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर पाते थे? 2 लाख रुपये। लेकिन जैसे एनपीसीआई ने अभी लिमिट बढ़ा दी है 5 लाख, तब सेबी ने भी बोल दिया भाई कि अगर आप आईपीओ से यूपीआई से आईपीओ फिलअप करते हो तो आप पहले जो 2 लाख मैक्सिमम कर पाते थे, अब जब कितना कर पाओगे? 5 लाख। जस्ट सिंपल, राइट। कि एनपीसीआई ने दिसंबर में बोल दिया कि भाई यूपीआई के थ्रू आप मैक्सिमम 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर पाओगे, और सेबी ने अभी बोला कि भाई आप यूपीआई के थ्रू मैक्सिमम 5 लाख रुपया आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट आईपीओ है, आईपीओ एनएफओ वगैरह पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट ही है, कभी हम डिटेल के अंदर उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसका मेन एग्जांपल है आईपीओ, राइट। तो सेबी के बारे में मैंने बात की। सेबी के चेयरपर्सन अभी मदामीपुरी बूच, जो पहले अजय त्यागी हुआ करते थे, अभी मदामीपुरी बूच है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? उसका मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ओके, ठीक है। ओके, अभी एक न्यूज़ के बारे में बात करूँ कि अभी 3 न्यूज़ वीआरपी, एनएसए और एनएसए माइन, ये 3 कैटेगरी के अवार्ड्स अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा दिए गए। इसमें वीआरपी क्या है? विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, एनएसए नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स और नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स फॉर द माइंस। देखो, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वीआरपी मतलब विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है? कि इट इज़ अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग सजेशंस गिवन बाय द वर्कर और ग्रुप ऑफ द वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। अगर कोई वर्कर के द्वारा इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत अच्छा सजेशन दिया गया और वो सजेशन के लिए पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक रिवॉल्यूशन आ गया, तो उन वर्कर को और ग्रुप ऑफ द वर्कर को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स, नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स किसको दिया जाता है? इन रिकॉग्निशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अगर कोई कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेफ्टी के अंदर काम किया है, वर्कर्स की सेफ्टी के अंदर काम किया है, तो उन कंपनीज को ये अवार्ड दिया जाता है, नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। और नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स पर्टिकुलरली माइन कैटेगरी के अंदर भी उसी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 अवार्ड्स कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, ये जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो भूपेंद्र यादव हम मिनिस्टर है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रामेश्वर तेली। ओके, ओके, क्या अभी रिसेंटली एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, पेटास के सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है परम गंगा, और उसको कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है? IIT रुड़की के अंदर। और ये कौन सी मिशन के अंदर लॉन्च किया है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर। देखो, बहुत सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है कि एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा अभी लॉन्च किया गया, उसकी स्पीड क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है? 1.66 पेटाफ्लॉप। देखो, सुपर कंप्यूटर की स्पीड पेटाफ्लॉप के अंदर मेज़र की जाती है। पेटाफ्लॉप का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड।
तो ये जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया उसकी कैपेसिटी है, सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी 1.66 पेटाफ्लॉप है। ओके, उसको कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, आईआईटी रुड़की के अंदर। ओके, और ये कौन सी मिशन के अंदर में लॉन्च किया गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर लॉन्च किया गया, जो मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2015 के अंदर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करूँ तो ये मिशन लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इसको इंप्लीमेंट मतलब एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जाता है, सीडेक नाम की एक संस्था है। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, और IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। देखो ये मिशन लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, मतलब सुपर कंप्यूटर्स को बनाता कौन है, सीडेक और IISc बेंगलुरु, राइट। ये जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है वो बनाया किसने है, सीडेक के द्वारा बनाया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर में। आपको समझ में आया, ओके। ये इसका एस्टिमेटेड खर्चा कितना है बनाने के पीछे, 4500 करोड़ रुपया, राइट। ओके चलो, उसके बारे में थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें। ओके देखो, ये सुपर कंप्यूटर के अंदर जो एक कंप्यूटर सर्वर है उसका नाम है रुद्रा, और एक हाई स्पीड इंटरकनेक्टिविटी के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया उसका नाम है त्रिनेत्रा। ये दोनों को डेवलप करने वाली संस्था कौन है, सीडेक। पूरा सुपर कंप्यूटर ही इसने बनाया है, राइट, ये परम गंगा। अभी सुपर कंप्यूटर की थोड़ी हिस्ट्री की बात करें कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फुगाकू, कहाँ पे है, जापान के अंदर, कहाँ पे है, जापान के अंदर। सेकंड, इंडिया के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और इंडिया ने उसके बाद प्रत्यूष नाम का सुपर कंप्यूटर भी लॉन्च किया है, और उसके बाद मिहिर नाम का सुपर कंप्यूटर भी इंडिया ने लॉन्च किया है, और ये फोर्थ सुपर कंप्यूटर है परम गंगा। प्रत्यूष एंड मिहिर वो क्लाइमेट चेंज और वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होते थे, राइट। तो परम गंगा अभी ये फोर्थ सुपर कंप्यूटर जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटर दो ही संस्था बनाती है, एक IISc बेंगलुरु और एक सीडेक, और ये जो सुपर कंप्यूटर है परम गंगा वो सीडेक के द्वारा बनाया गया है। ओके ठीक है। क्या अभी रिसेंटली एक वीडेम नाम की संस्था जो स्वीडिश के अंदर है, राइट, उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया, डेमोक्रेसी रिपोर्ट। डेमोक्रेसी रिपोर्ट कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री कितना डेमोक्रेट है, डेमोक्रेसी मतलब कि गवर्नमेंट के डिसीजंस के अंदर गवर्नमेंट ने कितना डिसीजन पब्लिक को ध्यान में रख के किया है, राइट। तो विडेम्स की डेमोक्रेसी रिपोर्ट, उसमें इंडिया का रैंक कौन सा आया, 93rd, और उसमें टॉप किसने किया, स्वीडन ने। टोटल 179 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया, उसमें इंडिया का रैंक आया 93rd। अभी ये रिपोर्ट के मुताबिक जो टॉप 5 LDI कंट्री, LDI का मतलब लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका और न्यूजीलैंड। और सबसे ज़्यादा ऑटोक्रेटिक कंट्री, ऑटोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट अपनी ही चलाती है, तो सबसे ज़्यादा ऑटोक्रेटिक कंट्री अफगानिस्तान, बेलरूस, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया। ओके, तो मतलब इंडिया का रैंक 93rd, उसमें स्वीडन ने टॉप किया, और सबसे मोस्ट ऑटोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड अफगानिस्तान। आपको इसके इस न्यूज़ के अंदर से इतना ध्यान रखना है, राइट। और ये रिपोर्ट किसने लॉन्च किया, विडेम, वो स्वीडिश एक संस्था है, राइट। ओके, इंडिया रैंक सेकंड फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल शॉपिंग इन 2021, US ने टॉप किया, और बेंगलुरु टॉप्स अमंग द सिटीज। ओके देखो, अकॉर्डिंग टू द लंडन एंड पार्टनर्स एक संस्था है, उसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल शॉपिंग, कि डिजिटल शॉपिंग मतलब जो ई कॉमर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इंडिया सेकेंड नंबर पे, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स के अंदर कौन करता है, US। ओके, और सिटीज़ की अगर बात करें पर्टिकुलर सिटी की, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स के अंदर कौन करता है, बेंगलुरु। वर्ल्ड लेवल के ऊपर बेंगलुरु सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है ई कॉमर्स के अंदर, और ये डेटा किसने दिया, लंदन एंड पार्टनर। देखो कोई भी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट किसने लॉन्च किया, वो रिपोर्ट की मेन थिंग क्या है, और उसमें इंडिया की अगर मिलती जुलती बात है तो आपको जस्ट याद रख लेनी है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है रिपोर्ट के अंदर, राइट। लेकिन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट बहुत होता है, रिपोर्ट के एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि उसमें इंडिया के अगर जिक्र किया इंडिया के बारे में, उसके रैंक वगैरह, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग, डिजिटल शॉपिंग के अंदर कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है? यूएस, और सेकंड नंबर पे इंडिया है। और सिटीज़ के बारे में बात कर, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। अभी रिसेंटली नेबफीड ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, वो अभी रेगुलेटेड एज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द RBI एक्ट। देखो देखो नेबफीड की मैं बात करूँ, यहाँ पे नेबफीड का अगर फुल फॉर्म नहीं लिखा गया तो नेबफीड का फुल फॉर्म है नेशनल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट। तो नेबफीड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी एक जिस तरह से आपको पता होगा नाबार्ड, नाबार्ड का मेन पर्पज़ क्या है कि गांव के अंदर वृद्धि करना, राइट। ग्रामीण बैंक को वो पैसा देगी, ग्रामीण बैंक को और कॉमर्शियल बैंक को, कि आप मैक्सिमम लोन दो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। नाबार्ड का मेन पर्पज़ उसको बनाए ही उसकी उसी के लिए है, राइट। तो उसी तरह नेशनल बैंक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसको इसलिए बनाया गया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जब मैक्सिमम पैसा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के अंदर जितने भी चल रहे हैं वो मैक्सिमम उसको लोन दे, उसको उसी के लिए ये नेशनल बैंक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाया गया है। तो अभी तक इंडिया के अंदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितनी थी? तो अभी तक इंडिया के अंदर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक तो एक्जिम बैंक, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर रूरल बैंक नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया SIDBI। अभी तक इंडिया के अंदर चार ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब एक ऐसी इंस्टीट्यूशन कि जो डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए लोन देती है, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन देती है, एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट को मोटिवेशन देने के लिए लोन देती है, नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोन देती है, नेशनल हाउसिंग बैंक होम लोन के अंदर लोन देती है। ऐसा कोई पर्टिकुलर कस्टमर ये बैंक से डायरेक्ट जाके पैसा नहीं ले सकता, ये बैंक्स क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक और जो रिस्पेक्टिव सेक्टर की जो बैंक्स हैं उनको पैसा देगी, फिर वो फर्दर आगे कस्टमर को पैसा देती है लोन के स्वरूप में, राइट। तो अभी ये फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गई है RBI एक्ट के अंडर में, और ये फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी है? नेशनल बैंक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसका मेन पर्पज़ ही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और उसके लिए पैसा देगी कॉमर्शियल बैंक और छोटी छोटी बैंक को, जो आगे लोगों को, जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं उनको पैसा देगी, राइट। तो उसके चेयरमैन किसको बनाए गए? KV कामत इज़ अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बराबर। अभी ये इंस्टीट्यूशन को अभी ही बनाया गया, उसके लिए गवर्नमेंट टोटल 20,000 करोड़, नेशनल बैंक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने उसके अंदर कितना पैसा डाला है? गवर्नमेंट ने उसके अंदर डाला है 20,000 करोड़ रुपीज़, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, टोटल 20,000 करोड़ रुपया नेशनल बैंक फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने उसके अंदर एज अ ऑथोराइज कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्ट किया है 20,000 करोड़, ओके। तो अभी वो फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गई है अंडर द RBI एक्ट। अभी तक की चार एक्सिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और SIDBI थी, और ये फिफ्थ बन गई। उसके पहले चेयरमैन कौन बने हैं? उसके पहले चेयरमैन बने हैं KV कामत, ओके। ओके, अभी रिसेंटली एक अवार्ड, एक रैंकिंग लॉन्च किया गया, स्कॉच स्टेट ऑफ द गवर्नेंस रैंकिंग, और ये स्कॉच अवार्ड्स के अंदर आंध्र प्रदेश रिटेन्स द टॉप रैंक फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। देखो ये स्कॉच अवार्ड एक्चुअली जो स्टेट्स होते हैं ना वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बराबर, उन उसके लिए अवार्ड दिया जाता है स्कॉच ग्रुप के द्वारा। गवर्नमेंट की स्कीम्स, जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है वो स्टेट लेवल पे कितनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होती है वो उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है, ये रैंकिंग के अंदर स्कॉच स्टेट ऑफ द गवर्नेंस रैंकिंग के अंदर। उसमें सबसे ज़्यादा मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश, जो सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर ये आंध्र प्रदेश इस बार फर्स्ट आया है। सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे ओडिशा, फोर्थ नंबर पे गुजरात और फिफ्थ नंबर पे महाराष्ट्र। ये 2021 की रैंकिंग है ये सब, और ये
आंध्र प्रदेश लास्ट ईयर फर्स्ट नंबर पे था, वेस्ट बंगाल लास्ट ईयर थर्ड नंबर पे था, ओडिशा 8वें नंबर पे था, गुजरात सेकंड नंबर पे था और महाराष्ट्र लास्ट ईयर 7वें नंबर पे था। मतलब पिछले साल से कंपेरिजन दिखाई गई है, राइट। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कौन से स्टेट ने अभी टॉप किया फॉर द सेकेंड कंसिक्यूटिव ईयर टू इन द स्कॉच स्टेट ऑफ द गवर्नेंस रैंकिंग के अंदर? तो आंध्र प्रदेश। ओके ठीक है, यस ओके। तो हाँ, तो नेक्स्ट फाइव बेस्ट रैंक स्टेट्स आर कैटेगरी एज अ परफॉर्मर स्टेट्स। देखो अभी यहाँ पे स्टेट्स को क्लासीफाई किया गया है। एक तो स्टार स्टेट्स, देखो ये स्टार स्टेट्स है, ये स्टार स्टेट्स है बराबर, जो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर जो परफॉर्मर स्टेट है, मतलब जो एवरेज परफॉर्म करते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में मतलब एवरेज परफॉर्म करते हैं, तो वो परफॉर्मर स्टेट्स है जिनका रैंक 6 to 10 के अंदर में आता है। और जो मतलब एकदम बिलो एवरेज हो, कैचिंग अप स्टेट्स के कैटेगरी में आता है, 11 to 15 की रैंकिंग के अंदर जो आते हैं। तो ये तीन कैटेगरी के अंदर सब ये स्कॉच अवार्ड्स के अंदर सबको 15 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी को डिवाइड किया गया है, राइट। ओके के अभी रिसेंटली इसरो ने अनाउंस किया कि वो सिलेक्ट करेगा 150 स्टूडेंट्स फॉर इट्स युविका प्रोग्राम। युविका प्रोग्राम के लिए इसरो 150 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगा। सबसे पहली बात कि युविका प्रोग्राम कौन कनेक्ट करने वाला है? इसरो। युविका प्रोग्राम क्या है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युविका प्रोग्राम और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, राइट। कि वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? इसरो के द्वारा। वो क्या करता है प्रोग्राम के अंदर में, कि वो बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस टू द यंग स्टूडेंट्स, स्पेशली द रूरल एरिया स्टूडेंट्स। कि युविका प्रोग्राम के थ्रू, युवा विज्ञानी कार्यक्रम के थ्रू इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करेगा यंग स्टूडेंट्स को, स्पेशली रूरल स्टूडेंट्स को, राइट। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द इन्हेंसिंग ट्रेंड्स इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग्स द यंग माइंड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। और यूवी का प्रोग्राम इसरो ने 2022 के अंदर ही लॉन्च किया है। उसके लिए वो 150 स्टूडेंट्स को जो क्लास 12 के अंदर, अरे सॉरी क्लास 9 के अंदर जो पढ़ रहे हैं अभी तक बराबर, उनको वो सिलेक्ट करेगा और ये स्पेस साइंस के बारे में उसको अवेयर करेगा, राइट। तो सिंपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कि वी का प्रोग्राम कौन से संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो, उसके लिए वो कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने वाले हैं? 150 स्टूडेंट्स को, कौन सी क्लास के? 9th क्लास के। इसरो की बात बात करें तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका, और उसके चेयरमैन है अभी एस सोमनाथ, एस सोमनाथ उसके चेयरमैन है। ओके ओके थैंक यू।